अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माई थर्ड ब्लॉग। और मैं अभी अभी उठा था तो मैंने बोला कि अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर लूं। अभी मैं जा रहा हूं मदरसे, 3:15 हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे ऑटो वाले अंकल आ चुके हैं। क्या बोला तूने? मुझे जाना है मदरसे। मदरसे के बाद मैं जाऊंगा, आपको मिलूंगा ट्यूशन के टाइम पे। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग ट्यूशन से फारिग हो चुके हैं। ट्यूशन से अभी भी आए थे तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो अभी खाना वाना खा के फारिग हो चुके हैं। आप लोग को भी लगती होगी भूख, तो मैं भी खाना खा के फारिग हो जाऊँ। तो सीन कुछ ऐसा है कि सुबह जुम्मा है, जुम्मे की तैयारी करनी होती है क्योंकि सुबह देर हो जाती है, तो इसलिए रात में सब कुछ करना होता है। कपड़े वपड़े मैंने निकाल लिए हैं, मेरा कुर्ता वो रखा हुआ है, कुर्ता ही पहनना होता है। और जुम्मे के दिन छोटी ईद होती है, तो इसलिए आप लोग कुर्ता ज़रूर पहने। और क्योंकि छोटी ईद होती है ना, तो उसके अंदर हम लोग ईद पे भी यही सब कुछ काम करते हैं। ये रहा मेरा कुर्ता, मैंने निकाल लिया है। इसके ऊपर प्रेस की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पर प्रेस कर लूँगा थोड़ी सी, ताकि कुर्ता नया जैसे अच्छा लगने लग जाए। तो मेरा भाई बहुत दिन से मेरे से चैलेंज दे रहा था कि तुम लूडो खेलो या फिर मेरे साथ क्रिकेट खेलो, तो घर में तो क्रिकेट खेल नहीं सकते, तो इसलिए मैंने लूडो का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो लूडो भी खेलते हैं मेरा भाई हो रहा मेरा भाई साथ। तो चलते हैं अपने भाई की तरफ, उससे पूछते हैं कि वो चैलेंज के लिए रेडी है या नहीं। बात चैलेंज के लिए रेडी हो तुम? जी बिल्कुल। कौन सा चैलेंज वैसे? जो आपने मुझे बोला था कि लूडो या फिर क्रिकेट में से मैंने लूडो चूज किया। आपको लूडो पसंद है? जी आ जाइए अभी खेलते हैं। अभी बात भी रेडी है, तो अभी हम लोग चैलेंज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट चैलेंज, चलो। तो भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम हो चुका है। इबाद की और मेरी एक एक अंदर है और दो बाहर है, जो हम लोग जिससे अभी आगे हैं। अभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है गेम। इबाद को सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए और मुझे 10 पॉइंट्स चाहिए। तो अभी इबाद को बस 3 पॉइंट चाहिए, तो मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अगर मैं ये चैलेंज हारता हूँ तो मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन अगर ये मैं चैलेंज जीतता हूँ तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चलो इबाद। तो गाइस अभी भी मुझे भी एक चाहिए और उनको 4 चाहिए पॉइंट्स। अब देखते हैं चैलेंज कौन जीत पाता है। चलिए अब मैं अपनी टर्न करता हूँ। गाइस अभी मैं जीत चुका हूँ, आप लोग मेरी खुशी का आलम देख सकते हो। मैंने इनको काफी दिन से चैलेंज दिया हुआ था, अब इन्होंने एक्सेप्ट किया चैलेंज, फिर मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, फिर मैं जीत चुका हूँ गाइस। तो अभी आप इनको, मैं इनकी शक्ल भी दिखा सकता हूँ आपको, अभी मैं दिखाता हूँ, इनका रोने वाली शक्ल हो चुकी है अभी। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी खुशी का आलम, और मैं अपनी भाई की भी शक्ल दिखा रहा हूँ, बिल्कुल रोने वाली शक्ल हो गई, ये देख सकते हैं। भाई अभी चैलेंज जीत चुका है, हमने चैलेंज रखा था कि जो भी हारेगा उसको खिलानी पड़ेगी चॉकलेट, और मैं अभी हार चुका हूँ, तो इसलिए अब मुझे इबाद को चॉकलेट देनी पड़ेगी। देख सकते हैं सभी आई ने बताया कि मैं चॉकलेट जीत चुका हूँ। ये धुआं हुआ नहीं था, खैर अभी हम लोगों ने ऐसे लगाया था, बाकी मैं जीत चुका हूँ और ये मुझे चॉकलेट गिफ्ट करेंगे। A few inches later. तो गाइस अभी मैं आज आपको अपने भाई, बड़े भाई से मिलवाने वाला हूँ, जिनका नाम तहा है। उनका यूट्यूब पे भी चैनल है, ब्लॉगर भाई तहा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। तो अभी उनके पास चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार मैं बात से चैलेंज हार चुका हूँ, और उसको देने के लिए मेरे पास चॉकलेट तो है नहीं, तो अपने बड़े भाई के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं और मशवरा लेते हैं, गाइडनेस लेते हैं, उसके बाद उनसे पूछते हैं, क्योंकि उसके अभी बर्थडे भी आई थी बात की, तो इसलिए हम बर्थडे उसका गिफ्ट नहीं दे सके थे, उसको छोटा सा गिफ्ट दे दिया था, अब उसको बड़ा गिफ्ट देना है हमने, तो हैप्पी उसकी जो बर्थडे उसका भी मिला के, और वैसे भी उसको गिफ्ट देना है हमें। तो ये रहे मेरे बड़े भाई ताह भाई। हेलो ताह भाई, वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? और भाई ये मेरे छोटे भाई का चैनल है, इसको लाइक करना है आपने, सब्सक्राइब करना है, और इसको इतना मोटिवेट करो आप जैसे आप दूसरे लोगों को करते हो वीडियोस देख के, जैसे डगे भाई हो गए, अपना मास भाई हो गए, ऐसे ही आपने मुझे भी सपोर्ट करना है और मेरे छोटे भाई को भी करना है। तो आप कुछ फरमा रहे थे, बोलो।
तो अभी मैंने ये बात कहनी है कि बात अभी मैं चैलेंज हार चुका हूँ बात से, और ये बात को हमें बर्थडे का गिफ्ट हमने छोटा सा दे दिया था, बड़ा के देना उसको गिफ्ट, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब उनको बड़ा गिफ्ट देते हैं। चॉकलेट तो है नहीं मेरे पास, मैंने इनको इनको बोला था बात को कि चॉकलेट दे दूंगा, अब क्या करना है आगे को क्या गिफ्ट दें। जो उसके लिए मोबाइल लाए थे वही गिफ्ट कर देते, वो दे दें आईफोन, लेकिन उसके साथ एक प्रैंक भी कर लेते हैं छोटा सा, मजाक भी मजा आ जाए, एक्सप्रेशन भी देख लेते ना। तो चलो चलते हैं। तो भाई जैसे कि तुम लोगों को बताया था इबाद चैलेंज जीत चुका है, सभी हार गया है, तो सभी मेरे पास आया था मुझसे मशवरा लेने। मैंने तो ये बोला भाई उसका बर्थडे का गिफ्ट और चैलेंज का गिफ्ट साथ दे देना। तो अभी हमने सोचा है उसके साथ एक प्रैंक करने का, तो वो प्रैंक है ये भाई, ये देख रहे हो तुम लोग, ये आईफोन का डब्बा है, और हम आईफोन में आईफोन नहीं रखने वाले भाई, हम लोग रखने वाले हैं ये छोटा कीपैड वाला क्यू मोबाइल, इससे हमें इबाद का फेस एक्सप्रेशन भी पता चलेगा। तो तुम क्या कहते हो सभी? मैं तो कहता हूँ बहुत ही मजा आने वाला है, इबाद का फेस एक्सप्रेशन देखकर मुझे ही बहुत मजा आएगा। तो चलो चलते हैं अभी इबाद के पास, फटाफट से इसको मोबाइल को डब्बे में डालते हैं क्यू मोबाइल वाले को, और हम इसको आईफोन को छुपाते हैं अपने पीछे जेब में, और इबाद को चल के गिफ्ट देते हैं। चलो चलो अभी वीडियो रोक रहा हूँ क्योंकि अभी मोबाइल वगैरह सेट करना है। तो भाई अभी हम लोगों ने डब्बे में रख लिया और सभी के हाथों में भी पीछे छुपा लिया, ये देखो ये आ गया आईफोन। ये बात को हमें बताना नहीं है, बात को हमें सरप्राइज देना है। तो चलो बात के पास चलते हैं। क्या कर रहे हो बात? ये कपड़े देख रहा हूँ सुबह जुम्मे के लिए। अच्छा, और मैंने सुना है आप चैलेंज जीत गए। जी मैं चैलेंज जीत गया सभी भाई। तो कैसा लग रहा है चैलेंज जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी सभी भाई आपको गिफ्ट देंगे। सभी भाई चैलेंज में क्या बात हुई थी आपसे, आप इसको गिफ्ट देने वाले थे? चॉकलेट देने वाला था। तो अभी क्या दे रहे हो? आपके लिए न्यू सच में मेरे लिए आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो कैसा लग रहा है भाई तुम्हें आईफोन 13 प्रो मैक्स लेके? अच्छा लग रहा है। चलो खोलो अपने हाथों से भाई, आराम से आराम से भाई, उसकी मदद कराओ यार, बिल्कुल आराम से खोलो सुकून से। ये लो, अब बाकी तुम खुद ही खोल लो। यार सभी भाई तुमने फिर प्रैंक कर दिया यार, तुमने भी कर नहीं यार, मुझे भी पता, मैं बात नहीं कर। अच्छा इधर कहाँ जा रहे हो, इधर तो आओ, क्या हुआ? मैं नाराज हो गया इनसे। तो तुम्हें आईफोन 13 नहीं दिया तो तुम नाराज हो गए? हाँ मैं नाराज हो गया। तो भाई ये लो ना, ये लो अपना गिफ्ट, ये लो ये मेरा है सच में आईफोन 13 प्रो। हाँ वो तुम्हारे साथ ऐसे छोटा सा प्रैंक किया था भाई हमने, इसके साथ प्रैंक कर दिया, और तुम लोग देख सकते हो इसको, देखो यार बहुत अच्छा लग रहा है यार, एकदम इसकी रोने वाली शक्ल हो गई थी, लिटरली बता रहा हूँ इसके आंसू आने वाले थे, फिर हमने इसको फौरन ही मोबाइल दे दिया यार, वरना ये रो जाता अभी, सच्ची बता रहा हूँ भाई। ये आपका है भाई 13 प्रो, वो हमने निकाल लिया था इस डब्बे में से, हमने निकाल के बात को ये छोटा वाला कीपैड वाला मोबाइल दे दिया, और भाई इससे बात जो है वो रोने वाले मूड में हो गया था, हमने इसके साथ ठीक ठाक वाला प्रैंक कर दिया है। तो अभी चलते हैं और इसको ज़रा ये सेटिस्फाइड करके देते हैं मोबाइल, ताकि ये गेम वेम डाउनलोड करे फिर गेम वेम खेले। सोच रहे हैं भाई इसका भी चैनल बनाने का, तो इंशाल्लाह इसका भी अब आईफोन दिला दिया है, सोच रहे हैं कि व्लॉगिंग ही शुरू करा दें इंशाल्लाह, आप देखो क्या करते हैं, पापा से भी पूछेंगे। 10 minutes later तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था यार, ये बात को हमने सरप्राइज दे दिया है, और वीडियो के बीच में मैंने आप लोग को बताया था यार मेरे बड़े भाई का चैनल है, वो उसको भी सब्सक्राइब कर दो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसमें से आप जाके उसमें सब्सक्राइब कर दो। तो ये बात से पूछते हैं यार उसको कैसा लग रहा है गिफ्ट, ये बात आपको कैसा लग रहा है गिफ्ट? माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, यही कहना चाहता हूँ गेजुला आप लोग लाइक शेयर कमेंट और कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो, और मेरे बड़े भाई का भी चैनल है ना वो भी सब्सक्राइब कर दो, और उनको भी लाइक शेयर कमेंट कर दो यार, और ऐसी ऐसी मोटिवेट करते रहो, हम लोगों को दिल से भी बहुत अच्छा लगता है, और दिल से भी आपके लिए दुआएं मिलती हैं। जो जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं ना वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटे भाई ने यार एंडिंग कर दी है, तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ मैं, छोटे भाई ने बोल दिया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो भाई कर दो, आपकी दुआओं का तलबगार आपका छोटा भाई SB ब्लॉगर। अल्लाह हाफ़िज़।